तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो, ये आपका आज का पेपर है जिसका क्वेश्चन पेपर कोड 03124 है, सेट 4 साइंस क्लास 10। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, एक बार आप नोट कर लीजिए। अभी स्कूल से निकलकर जस्ट डेढ़ घंटे बाद, एक डेढ़ घंटे लग जाएंगे, उसके जस्ट बाद मैं डायरेक्ट आपको आंसर की अपलोड कर दूंगा। और अभी तक मैंने जितने भी पेपर आपके हुए हैं, संस्कृत SST IT पंजाबी और रिटेल, सबकी डायरेक्ट आंसर की ही अपलोड की है, जो सी बी एस ई स्कूल को प्रोवाइड करती है कॉपी चेक करने के लिए। तो मैं डायरेक्ट वही अपलोड करता हूँ ताकि आपको बार बार का डाउट ना रहे कि इसमें ये सही है उसमें वो सही है, बच्चे बार बार कमेंट करते रहते हैं। और थोड़ी देर बाद आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट चेक कर लेना, मैं आंसर की लिंक सबके कमेंट में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और अभी फिलहाल ये क्वेश्चन पेपर ही आप देख सकते हो, ठीक है ना, जस्ट थोड़ी देर बाद आंसर डायरेक्ट आंसर की अपलोड कर दूंगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं आंसर की अपलोड करता हूँ क्योंकि बार बार का आपका डाउट ना रहे, एक ही बार में अपने डाउट क्लियर करो और उसके बाद नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो। ठीक है बच्चों, आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, टर्म वन की मिल जाएगी, क्लास 10, 9, 11, 12 सबकी अलग अलग डायरेक्ट आंसर की मिलेगी आपको, जो स्कूल को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, जिससे कि आपको बार बार का डाउट ना रहे, आप चेक भी कर सकते हो। तो अभी आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर प्री बोर्ड पेपर से ही था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर इस बार नहीं आया है। ठीक है बच्चों, तो बाकी आप अभी क्लियर कर लेना कितना सही किया कितना गलत किया है, थोड़ी देर बाद, तब तक आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए और कमेंट ज़रूर चेक कर लेना। ओके, और जो SST का पेपर आपका हुआ था 35 क्वेश्चन नंबर 25, जो CBSE के आंसर की में मिस्टेक थी बच्चों, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। ये सारे जो पेपर चेक हो रहे हैं सबमिट होने के बाद में स्कूल में ही सबमिट होंगे, प्रिंसिपल को दिए जाएंगे, फिर वहाँ भी जो करेक्शन वो चाहते हैं वो करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद में वो पूरा डिटेल फिल करके कहाँ पर उसको सेंड कर देंगे, CBSE, ठीक है ना, साइट पर। तो सबसे मेन लास्ट में पूरा कलेक्शन आपका स्कूल में ही होगा, तो अपने स्कूल टीचर और प्रिंसिपल से आप बात कर लेना उस विषय में। ठीक है, जो भी करेक्शन होगा वो करेक्शन कर सकते हैं, उसमें भी आपको डाउट नहीं करना है। ठीक है, कि नंबर कट जाएंगे ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो भी होगा आपके साथ अच्छा होगा। ओके, ठीक है, तो बस टोटल 60 क्वेश्चन थे, कम्प्लीट हुए, मिलते हैं थोड़ी देर बाद इसके राइट आंसर की के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। ओके।